हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स एक्सरसाइज 2D पॉलीनोमियल्स। आज का क्वेश्चन हमारे पास यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्रूफ एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। तो यहाँ पे हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करके हमें एक्स माइनस थ्री के इज अ फैक्टर ये देखना है कि ये एक्स माइनस थ्री ये फैक्टर है कि नहीं ये पॉलीनोमियल के, ठीक है। मतलब कि इसे और इसे हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करके हमें अगर आंसर ज़ीरो आ रहा है तो ये फैक्टर होगा ये पॉलीनोमियल के। अगर ज़ीरो का अलावा कुछ और आ रहा है रिमाइंडर, अगर कुछ और आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम। एक्स माइनस थ्री is a factor of p of x if p of 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x माइनस 3 दिया गया है, ठीक है। इसे हमने p of 3 लिखा है। ये कैसे आया है इसे हम ये ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने लिखा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम x इज इक्वल टू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया माइनस 3, इसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे p ऑफ x के जगह में हम p ऑफ 3 लिखेंगे, x के जगह में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये p ऑफ 3 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे here p of x is equal to ये पॉलीनोमियल को हम लिख देंगे यहाँ पे x cube plus x square minus 17x plus 15। उसके बाद देखिए ये p of x मतलब कि p of 3, हम p of x के जगह में हम p of 3 लिखेंगे यहाँ पे p of 3। यहाँ पे हमने p of 3 क्यों लिखा है, क्योंकि x के जगह में हमने 3 लिखा है, मतलब कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x दिया गया है उसे हम उसके जगह में हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे x का जगह में 3 क्यूब हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 17 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। उसका 3 क्यूब हो जाता है 27 प्लस 3 स्क्वायर हो जाता है 9 माइनस, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 3 हो जाता है 51 प्लस 15 हो जाएगा। उसके बाद 27 प्लस 9 हो जाता है 36 माइनस 51 प्लस 15 हो जाता है माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहीं से हम माइनस कर देंगे 51 माइनस 15 हो जाता है 36, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर जो है वो 51 है, 51 के आगे माइनस साइन देगा तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। उसके बाद 36 माइनस 36 हो जाता है 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये फैक्टर कहलाएगा। x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलीनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे हंस x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल p of x, ठीक है। तो ये फैक्टर कहलाएगा। अभी चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 1 माइनस x जो है ये पॉलीनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। x माइनस 1 का वैल्यू को हम यहाँ पे बैठाएंगे ये पॉलीनोमियल में, तो देखेंगे कि आंसर जो है वो जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी वन इज इक्वल टू जीरो, पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने पी ऑफ एक्स के जगह में हम पी ऑफ वन बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वन, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1 था, ये राइट हैंड साइड में आ जाने से ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x के जगह में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम p ऑफ x के जगह में हम p ऑफ 1 बिठाएंगे, ठीक है। x के जगह में 1 हो जाएगा।
उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। उसके बाद हम पी ऑफ एक्स के जगह में हम पी ऑफ 1 डालेंगे, एक्स के जगह में 1 आ जाएगा। इसका मतलब होता है एक्स जहाँ जहाँ पे वहाँ पे 1 लिखेंगे हम, एक्स के जगह में 1 होगा, तो यहाँ पे 2 पावर में 1 हो जाएगा, 2 1 फिर पावर में 4, ठीक है, प्लस 9 यहाँ पे एक्स के जगह में 1 पावर में 3 प्लस 6 एक्स के जगह में 1 पावर में 2 माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 1 पावर 4 1 ही होगा प्लस 9 यहाँ पे भी 1 पावर 4 1 होगा प्लस 6 1 पावर 2 हो जाता है 1 माइनस 11 वन ज़ा 11 माइनस 6। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वन ज़ा 2 प्लस 9 प्लस 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है। उसके बाद हम इसे प्लस कर देंगे, 2 प्लस 9 हो जाता है 11, 11 प्लस 6 हो जाता है 17, 17 माइनस 17 तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये नंबर जो है x-1 ये फैक्टर होगा ये पॉलीनोमियल के, क्योंकि आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, ठीक है। तो ये फैक्टर कहलाएगा ये पॉलीनोमियल के। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x+5 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 115। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये फैक्टर जो दिया गया है x+5 ये पॉलीनोमियल के फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करके हम देखेंगे कि ये फैक्टर होगा कि नहीं ये नंबर के, ठीक है। x+5 जो दिया गया है ये हम इस ये पॉलीनोमियल में हम पुट करेंगे तो ये आंसर जो है वो 0 आएगा कि नहीं। अगर 0 आंसर तो आ रहा है तो ये फैक्टर कहलाएगा, अगर 0 आंसर नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x+5 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ 5 -5 इज इक्वल टू 0। ये हमने पी ऑफ एक्स के जगह में हमने पी ऑफ 5 हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x+5 दिया गया है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स के जगह में -5 आएगा, कैसे करके यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए x+5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने लिखा है x+5 यहाँ पे हमने लिखा है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, क्योंकि ये +5 लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये हम राइट हैंड साइड में लिखे आएंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो एक्स के जगह में -5, तो यहाँ पे हम एक्स के जगह में -5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हेयर ये पॉलीनोमियल को हम यहाँ पे लिख देंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 115, ठीक है। अभी हम x के जगह में हम -5 लिखेंगे, तो यहाँ पे x के जगह में -5³ प्लस -5² प्लस 3 इंटू -5 प्लस 115। तो यहाँ पे देखिए -5 तीन बार हमें मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, तो यहाँ पे देखिए 5 5 ज़ा हो जाता है 25 25 इंटू 5 125 125। यहाँ पे इसके साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -5² मतलब इसे और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा हो जाएगा 25, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, 3 5 ज़ा 15 प्लस 115, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे -125 प्लस 25 हो जाता है -100,
माइनस 100 कैसे, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 125 माइनस 25 हो जाएगा 100, और यहाँ पे 12 नंबर है 125, तो 125 के आगे माइनस साइन देंगे इसलिए माइनस 100 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइन ये 12 नंबर 115 है, अभी हम इसे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों नंबर में से 115 बड़ा है, 12 नंबर का आगे प्लस देंगे इसलिए प्लस है यहाँ पे आएगा, लेकिन हम इसे माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 15 माइनस 115 हो जाता है 100, ठीक है। इसे अगर हम माइनस करेंगे तो 100 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 100 माइनस 100 हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0, तो ये फैक्टर कहलाएगा एक्स प्लस फाइव, जो ये फैक्टर होगा ये पॉलीनोमियल के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस एक्स प्लस फाइव इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर आया है 0, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये x प्लस फाइव जो है ये फैक्टर होगा ये पॉलीनोमियल के, ठीक है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ x पावर फाइव प्लस थ्री एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 15, ठीक है। यहाँ पे x प्लस थ्री फैक्टर है कि नहीं ये पॉलीनोमियल के, ये हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम एक्स प्लस थ्री को हमने सॉल्व किया है, ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे पी ऑफ माइनस थ्री आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे आ रहा है, ये यहाँ पे देखिए एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमने लिखा है ये क्वेश्चन से आया है ये वाला एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखिए ये एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस थ्री लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया था, ये हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस थ्री में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस थ्री आ रहा है, इसलिए हम ये पी ऑफ एक्स के जगह में हम पी ऑफ माइनस थ्री लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पॉलीनोमियल को हम लिखेंगे, ये पॉलीनोमियल यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स पावर फाइव प्लस थ्री एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 15, ठीक है, हमने ये पॉलीनोमियल को हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें पी ऑफ एक्स के जगह में हम पी ऑफ माइनस थ्री लिखेंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस थ्री आ रहा है, इसलिए एक्स के जगह में माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ माइनस थ्री हो जाएगा। अभी देखिए जहाँ जहाँ पे एक्स दिया गया उस जगह में हम एक्स के जगह में हम माइनस थ्री लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस थ्री पावर में फाइव हो जाएगा प्लस थ्री पावर में माइनस पावर में फोर हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स के जगह में माइनस थ्री आ चुका है, यहाँ पे एक्स के जगह में माइनस थ्री पावर में थ्री हो जाएगा माइनस थ्री एक्स के जगह में माइनस थ्री पावर में टू प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स के वैल्यू को हमने बैठा दिया है माइनस थ्री। उसके बाद हम इसे स्क्वायर को निकालेंगे, यहाँ पे देखिए थ्री पावर में फाइव है, मतलब कि हमें माइनस थ्री जो है पांच बार हमें लिखना है, तो देखिए हमने यहाँ पे माइनस थ्री को हमने फाइव टाइम्स लिखा है, मतलब कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है फाइव टाइम्स, तो थ्री थ्री से नाइन हो जाता है, नाइन थ्री जो 27, 27 थ्री जो हो जाता है 81, 81 इंटू थ्री हो जाता है 243, ठीक है। तो यहाँ पे हम थ्री पावर फाइव की जगह में हम लिखेंगे 243। अभी देखिए यहाँ पे माइनस भी दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं वो हम देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए इसके साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस रह जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 243 होगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री इंटू यहाँ पे माइनस थ्री पावर फोर, तो मतलब यहाँ पे फोर टाइम्स माइनस थ्री होगा, तो यहाँ पे हम इसे नहीं लेंगे अभी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री थ्री जो नाइन, नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री 81 होगा।
यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं वो अभी हम देखेंगे। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, इसके साथ ये माइनस कैंसिल, तो ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री, माइनस थ्री पावर में थ्री। तो यहाँ पे देखें तीन बार अभी हम लिखेंगे, एक दो तीन, ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 27। यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं, यहाँ पे देखिए हमने तीन बार मल्टीप्लाई किया है थ्री को, तो यहाँ पे इसके साथ ये माइनस कैंसिल, एक माइनस रह जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब कि एक माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम इसे करेंगे अभी, ये माइनस थ्री यहाँ पे आएगा इंटू यहाँ पे देखिए थ्री पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, थ्री स्क्वायर कितना होगा, थ्री थ्री जो हो जाएगा नाइन, यहाँ पे हम नाइन लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे नाइन के साथ में माइनस नहीं आएगा। उसके बाद ये प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, प्लस फिफ्टीन, ठीक है, ये प्लस फिफ्टीन यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं 243 प्लस एट इन थ्री इंटू 81 कितना होगा, 243 हो जाएगा, ठीक है, थ्री मल्टीप्लाई बाई 81 होता है 243। उसके बाद प्लस 27 हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस थ्री नाइन जै 27, माइनस 15 प्लस 15, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 243 माइनस 243 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा, ये प्लस 27 माइनस 27 हो जाएगा जीरो, माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है जीरो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक्स प्लस थ्री जो है ये फैक्टर होगा ये पॉलीनोमियल के, ठीक है, क्योंकि आंसर जीरो आ रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस एक्स प्लस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये फैक्टर होगा पॉलीनोमियल के, क्योंकि आंसर जीरो आया, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 3x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। यहाँ पे हमें देखना है कि 3x माइनस टू ये फैक्टर है कि नहीं ये पॉलीनोमियल के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके हमें इसके साथ में पॉलीनोमियल के साथ में हमें सॉल्व करना है और देखना है कि आंसर जो है वो जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय फैक्टर थ्योरम 3x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे हम पी ऑफ एक्स की जगह में हम पी ऑफ 2/3 लिखेंगे, ये पी ऑफ 2/3 कैसे आ रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x माइनस टू दिया गया है, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3x इज इक्वल टू टू होगा, यहाँ पे माइनस टू दिया गया, ये राइट हैंड साइड में चला जाना से ये प्लस टू में चेंज हो जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई थ्री, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए राइट हैंड साइड में आ जाने से ये डिनोमेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टू बाई थ्री। तो ये p ऑफ x का वैल्यू है, x का वैल्यू 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम x के जगह में हम 2/3 लिखेंगे, ठीक है, x के जगह में 2/3 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हियर p ऑफ x इज इक्वल टू, ये पॉलीनोमियल को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये पॉलीनोमियल जो दिया गया था इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, ठीक है, ये हम क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखिए p ऑफ x के जगह में हम p ऑफ 2/3 लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो 2/3 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे p ऑफ 2/3। अभी देखिए यहाँ पे x जहाँ पे दिया गया है उस x के जगह में हम 2/3 लिखेंगे, 2/3 प्लस यहाँ पे x के जगह में 2/3 हो जाएगा पावर में स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू को हमने बैठा दिया है। उसके बाद देखिए ये थ्री नीचे में लिख देंगे, ये 2/3 हो जाएगा 8, 3/3 हो जाएगा 27, ठीक है, 2 क्यूब हो जाता है 8, 3 क्यूब हो जाता है 27 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 क्यूब 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस
22 जो हो जाता है 40 बाई 3 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर को निकाल दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 जो हो जाता है 27, तो यहाँ पे हम 8 बाय 9 लिख देंगे प्लस 4 बाय 9 माइनस 40 बाय 3 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये जो है कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर जो है कॉमन है, तो पहले हम ये दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर जो है 9 होगा, कॉमन एक ही आएगा यहाँ पे, इसे हम प्लस कर देंगे, 8 प्लस 4 हो जाता है 12 माइनस 40 बाय 3 प्लस 12, ठीक है। अभी देखिए ये 12 बाय 9 हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 12 यहाँ पे हम लिखेंगे, ये प्लस 12 इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रह जाएगा 40 बाय 3, ठीक है। उसके बाद हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 4 जो 12, 3 3 जो 9, तो यहाँ पे 4 बाय 3 प्लस 12 माइनस 40 बाय 3 रह गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ में प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 12 जो 36 होता है, तो यहाँ पे 36 बाई 3 माइनस 40 बाई 3। उसके बाद हम इसे प्लस कर देंगे, 4 प्लस 36 हो जाता है 40 बाई 3 हो जाएगा माइनस 40 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 माइनस 40 हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर जो है ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस 3x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल p ऑफ x। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3x माइनस 2 जो है ये फैक्टर है पॉलीनोमियल के, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो दिया गया 2x माइनस 3 ये फैक्टर है कि नहीं ये पॉलीनोमियल के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई फैक्टर थ्योरम, 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ 2 बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 2 बाई 3 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2x माइनस 3 इसे हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आया है 2 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसे हम सॉल्व करेंगे अभी, 2x इज इक्वल टू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए राइट हैंड साइड में आ जाने से हो जाएगा 0 3, उसके बाद x इज इक्वल टू 3 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में आ जाने से ये डिनोमेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2, ठीक है, 3 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम p ऑफ x के जगह में हम 3 बाई 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर p ऑफ x इज इक्वल टू ये पॉलीनोमियल जो दिखे इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे p ऑफ x, p ऑफ x के जगह में हम p ऑफ 3 बाई 2 लिखेंगे, x का वैल्यू 2 आ रहा है इसलिए p ऑफ 3 बाई 2 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी x का जहाँ जहाँ पे दिया है उसके जगह में हम x के जगह में हम 3 बाई 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 ये डायरेक्ट लिया जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 3 बाई 2 हो जाएगा पावर में 4 प्लस x का वैल्यू है 3 बाई 2 पावर में 3 हो जाएगा माइनस 8, x का वैल्यू है 3 बाई 2 पावर में 2 हो जाएगा माइनस x का वैल्यू है 3 बाई 2 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने x का वैल्यू को हमने बैठा दिया। उसके बाद हम अभी स्क्वायर को निकालेंगे, तो यहाँ 2 डायरेक्ट आ जाएगा, 3 पावर 4 हो जाता है, 3 पावर 4 हो जाएगा 81, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 3 हो जाता है 81, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पावर 4 हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जो 4 4 2 जो 8 2 जो 16, तो डिनोमेटर में 16 आ जाएगा, ठीक है। उसका प्लस 3 पावर 9 3 पावर 3 हो जाता है 27, ठीक है। 3 पावर 3 मतलब 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27, डिनोमेटर में 27 डिनोमेटर में 8 हो जाएगा,
टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, ठीक है, तो यहाँ पे एट हो जाएगा, माइनस एट इंटू थ्री स्क्वायर हो जाता है नाइन, टू स्क्वायर हो जाता है फोर, माइनस थ्री बाय टू प्लस सिक्स। उसके बाद यहाँ पे हम इसे कैंसिल करेंगे, टू एट जो हो जाता है सिक्सटीन, तो यहाँ पे 81 बाई एट रह जाएगा, प्लस 27 बाई एट, माइनस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू नाइन हो जाता है 72 बाई फोर, माइनस थ्री बाई टू प्लस सिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम न्यूमरेटर डिनोमेटर जो है ये इक्वल आ रहा है 8 8, तो हम इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कॉमन आ जाएगा 8, ठीक है, 8 कॉमन आ जाएगा डिनोमेटर में, और न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे, 81 प्लस 27 हो जाता है 108, माइनस 72 बाई 4, हम डायरेक्टली लिखेंगे नीचे में प्लस 6, ठीक है। उसके बाद हम ये दोनों को अभी कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों का एलसीएम हो जाता है 8, 108 इंटू 1 होगा, 8 वन ज़ा 8, माइनस 72 डायरेक्ट आ जाएगा इंटू 2, 4 टू ज़ा 8, माइनस 3 बाई 2 प्लस 16, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 108 माइनस 72 इंटू 2 हो जाता है 144 डिवाइडेड बाई 8, माइनस 3 बाई 2 प्लस 6, इसे हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 बाई 8, माइनस 32 बाई 3 बाई 2 प्लस 6। उसके बाद देखिए हम इसे कैंसिल करते हैं, 8 का हाफ हो जाता है 4, 36 का हाफ हो जाएगा 18, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा 2, इसका हाफ हो जाएगा 9। उसके बाद हम इसे नीचे में लिखेंगे 9 बाई 2, ठीक है, 9 बाई 2 आ जाएगा, ये 9 बाई 2 रहेगा। उसके बाद प्लस 6 को हम पहले लिखेंगे, प्लस 6 माइनस 3 बाई 2 को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 36 होगा, क्योंकि इसमें देखिए 144 जो है ये 12 नंबर है, तो 144 का आगे में माइनस साइन है, तो ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि 144 बड़ा है 108 से, तो यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा और ये माइनस साइन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा माइनस 9 बाई 2 प्लस 6 माइनस 3 बाई 2। उसके बाद देखिए हम ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस 6 जो ये डायरेक्टली आ जाएगा, प्लस ये प्लस यहाँ पे आएगा और 2 6 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 या 12 हो जाता है, और डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद देखिए माइनस प्लस हो जाता है माइनस, 9 माइनस 12 हो जाएगा 3 बाई 2, और यहाँ पे 12 बड़ा नंबर है, 12 के आगे में प्लस साइन देगा तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस नहीं लिखने से होता है, और ये माइनस 3 बाई 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 हो जाता है 0, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है आंसर, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 जो ये फैक्टर है पॉलिनोमियल के। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट रूट 2x माइनस 6, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकाल के हमें इसमें पुट करना है और देखना है कि आंसर जो है वो जीरो आ रहा है कि नहीं, अगर जीरो आ रहा है तो ये फैक्टर कहलाएगा ये पॉलीनोमियल का, अगर नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ रूट 2 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस रूट 2, ये x माइनस रूट 2 को हम सॉल्व करके यहाँ पे x के जगह में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कैसे आ रहा है, x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे x आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस रूट 2 दिया गया, ये राइट हैंड साइड में चला जाने से ये प्लस रूट 2 में चेंज हो जाएगा, तो x के जगह में रूट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे p ऑफ x के जगह में यहाँ पे p ऑफ रूट 2 लिखेंगे, ठीक है, x के जगह में रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर p ऑफ x इज इक्वल टू ये पॉलीनोमियल जो दिया गया है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे
सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट टू एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स, एक्स के जगह में हम क्या लिखेंगे रूट टू, तो यहाँ पे एक्स के जगह में आ जाएगा रूट टू। जहाँ जहाँ पे एक्स दिया गया उस जगह में हम रूट टू लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया, यहाँ पे रूट टू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर रूट टू इंटू एक्स के जगह में रूट टू हो जाएगा माइनस सिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए सेवन को हम नीचे में लिखेंगे, इंटू हो जाएगा ये रूट टू स्क्वायर हो जाता है टू, यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टू रह जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए फोर, फोर आएगा यहाँ पे इंटू रूट टू, इंटू रूट टू हो जाता है टू माइनस सिक्स, ठीक है। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेवन टू से फोर्टीन माइनस फोर टू से एट माइनस सिक्स, ये फोर्टीन को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो इसे हम प्लस कर देंगे, एट प्लस सिक्स हो जाता है फोर्टीन, फोर्टीन, लेकिन साइन क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि एट बड़ा नंबर है, एट के आगे माइनस साइन देगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्टीन। उसके बाद फोर्टीन माइनस फोर्टीन होता हो जाता है जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस एक्स माइनस रूट टू इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आंसर जीरो आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस रूट टू ये फैक्टर है ये पॉलीनोमियल के, ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया एक्स प्लस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ टू रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स प्लस रूट टू को सॉल्व करके इसका वैल्यू को हमें यहाँ पे पॉलीनोमियल में, इस पॉलीनोमियल में हमें पुट करना है और देखना है कि ये आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स का जगह माइनस टू माइनस रूट टू आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स प्लस रूट टू, ये यहाँ से आया है एक्स प्लस रूट टू, ये क्वेश्चन से हमने यहाँ पे लिख दिया है इसे एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस रूट टू दिया गया, यहाँ पे जाने से ये माइनस रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के जगह माइनस रूट टू आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक्स के जगह में माइनस रूट टू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पी ऑफ माइनस रूट टू, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलीनोमियल जो दिया गया था ये क्वेश्चन में दिया गया था, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे टू रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। ये टू रूट टू का हम डायरेक्ट लिखेंगे इंटू ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह में यहाँ पे देखिए एक्स के जगह आ गया है कि रूट टू लिखने के लिए, तो यहाँ पे पी ऑफ माइनस रूट टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पी ऑफ एक्स के जगह पी ऑफ माइनस रूट टू होगा, तो यहाँ पे एक्स के जगह माइनस रूट टू होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे एक्स दिया गया उस जगह में हम माइनस रूट टू लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया तो माइनस रूट टू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फाइव इंटू एक्स के जगह में माइनस रूट टू हो जाएगा प्लस रूट टू, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टू रूट टू को हम लिख देंगे एग्जैक्टली आ जाएगा, यहाँ पे माइनस रूट टू दिया गया, रूट टू यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टू रह जाएगा, यहाँ पे माइनस भी हट जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू रूट टू फाइव रूट टू हो जाएगा प्लस रूट टू। उसके बाद हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू टू हो जाता है फोर, रूट टू इसके साथ रह जाएगा, ठीक है, माइनस फाइव रूट टू प्लस रूट टू। यहाँ पे देखिए रूट टू के आगे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे फोर रूट टू, यहाँ पे देखिए इसे और इसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे फाइव माइनस वन हो जाता है फोर, ठीक है, फोर और ये कॉमन है रूट टू, तो यहाँ पे रूट टू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइव बड़ा नंबर है, फाइव के आगे माइनस साइन दे गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे माइनस कर देंगे, फोर माइनस फोर हो जाता है जीरो, तो ये डायरेक्टली जीरो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि फोर माइनस फोर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस द एक्स प्लस रूट टू इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स। आंसर जीरो आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस रूट टू जो है ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक्स प्लस वन एंड टू एक्स माइनस थ्री
are factors of 2x cube minus 9x square plus x plus 12. तो हम पहले यहाँ पे x plus 1 के साथ हम इसे solve करेंगे, उसके बाद 2x minus 3 के साथ हम इसे solve करेंगे, मतलब यहाँ पे हम इसके साथ भी इसे solve करेंगे और इसके साथ भी हम इसे solve करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये और ये दोनों दो equation दिया गया है, ये polynomial के साथ हम factorize करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों जो नंबर दिया गया ये हम इसके साथ फैक्टराइज करने के बाद हम यहाँ पे आंसर जो है वो जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ रहा है तो ये फैक्टर कहलाएगा ये इक्वेशन के, अगर नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन एंड टू एक्स माइनस थ्री आर फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ माइनस वन एंड पी ऑफ थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन को हमने सॉल्व किया, यहाँ पे माइनस वन आया आ रहा है एक्स के जगह में, और इसके बाद यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री को हमने सॉल्व किया, यहाँ पे पी ऑफ थ्री बाई टू आ रहा है एक्स के जगह में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कैसा आ रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं माइनस वन कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया एक्स प्लस वन, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस वन दिया गया, यहाँ हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स के जगह में माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स के जगह में पी ऑफ माइनस वन होगा, ठीक है, एक्स के जगह में माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए टू एक्स माइनस थ्री दिया गया है, यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस थ्री दिया गया, यहाँ पे आ जाने से ये प्लस थ्री में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये एक्स को हम नीचे में लिखेंगे इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टू दिया गया, ये राइट हैंड साइड में आ जाने से थ्री के डिनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है, थ्री के डिनोमीटर में जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो एक्स के जगह में थ्री बाई टू आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक्स के जगह में लिखेंगे थ्री बाई टू, ठीक है। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पी ऑफ माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन को हम लिखेंगे टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व को हम यहाँ पे लिख देंगे टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी ऑफ माइनस वन हम लिख देंगे, हम पहले इसे करेंगे पी ऑफ माइनस वन, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स के जगह माइनस वन आएगा, तो यहाँ पे एक्स के जगह माइनस वन क्यूब माइनस नाइन एक्स के जगह माइनस वन स्क्वायर प्लस एक्स के जगह माइनस वन प्लस ट्वेल्व, ठीक है। उसके बाद देखिए टू इंटू माइनस वन क्यूब हो जाता है माइनस वन, अगर हम माइनस वन को हम तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वन वन सा वन 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 सा वन ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, माइनस नाइन इंटू वन स्क्वायर हो जाएगा वन, यहाँ पे देखिए माइनस वन दो बार दिया गया, माइनस वन दो बार होगा, तो वन वन सा वन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस वन प्लस ट्वेल्व, टू वन सा टू यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, माइनस नाइन वन सा नाइन माइनस वन प्लस ट्वेल्व, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, तो ये नाइन प्लस टू प्लस नाइन हो जाता है इलेवन, ठीक है, नाइन नाइन के साथ में माइनस देगा तो यहाँ पे माइनस आना है, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइन बड़ा नंबर है, नाइन के आगे माइनस साइन देगा तो माइनस आएगा, लेकिन हम इसे प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हम माइनस करेंगे इलेवन, लेकिन साइन क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि ट्वेल्व के आगे में माइनस प्लस साइन दिया गया है, ठीक है, ट्वेल्व के आगे में प्लस साइन दिया गया है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि इलेवन माइनस इलेवन हो जाता है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हंस एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे जीरो आ रहा है इसलिए एक्स प्लस वन जो ये फैक्टर होगा ये पॉलीनोमियल के। अभी हम दूसरे नंबर के साथ भी हम इसे फैक्टराइज करेंगे टू एक्स माइनस थ्री के साथ, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, हमने एक्स प्लस वन के साथ कर लिया, अभी हम टू एक्स माइनस थ्री के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है। तो
यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे पी ऑफ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जहाँ पे एक्स एक्स दिया गया है उस जगह में हम एक्स के जगह में 3/2 लिखेंगे, तो ये 2 डायरेक्टली आ जाएगा, एक्स के जगह में 3/2 होगा और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, -9 एक्स के जगह में 3/2 पावर में स्क्वायर प्लस एक्स के जगह में 3/2 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे 3 क्यूब हो जाता है 27, 2 क्यूब हो जाता है 8, ठीक है। 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 27 आएगा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, -9 × 2 स्क्वायर हो जाता है, 9, ठीक है, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 स्क्वायर हो जाता है 4 प्लस 3/2 प्लस 12, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 8, तो यहाँ पे ले जाएगा 27/4 -9 9 81/4 +3/2 प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दोनों को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम जो है वो सेम आ रहा है, 4 4 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम नीचे में 4 लेंगे, ऊपर का नंबर को हम माइनस कर देंगे, 27 -81 +3/2 प्लस 12, तो यहाँ पे हम इसे माइनस कर लेते हैं, कितना होगा था, यहाँ पे हम देखेंगे 81 -27 कैरी वन हो जाएगा 11, 4 यहाँ पे रह जाएगा 7, 7 - 2 हो जाता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 54 होगा, 54 / 4, ठीक है। यहाँ पे 54 के साथ माइनस भी होगा क्योंकि 81 बड़ा नंबर है, 81 के आगे में माइनस साइन देगा, तो यहाँ पे -9 भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए +12 को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 3/2 को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे -54 + 4 12 हो जाता है 48/4 + 3/2, उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है माइनस, 54 - 48 हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि 54 बड़ा नंबर है 48 से, तो 54 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे -6/4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 डिनोमेटर में आ जाएगा, +3/2, इसे हम कैंसिल करेंगे 2 से, 3 2 जो हो जाता है 6, 2 3 जो हो जाएगा 6 और 2 2 जो हो जाता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे -3/2 + 3/2, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाता है माइनस, 3 - 3 0, 2 - 2 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस 2x-3 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2x-3 ये फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स के, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू।